हुई थी मेरी हाथापाई गुड्डी से। चीना जब भी हाथापाई जरूर हुई, लेकिन मैंने सच में गुड्डी को नहीं मारा। मारा है तुमने अदिति, मेरी बहन को मारा है तुमने। पहले तुम्हारी और गुड्डी की हाथापाई हुई, फिर जब गुड्डी ने तुम्हारी बात नहीं मानी तब तुमने उसे ऊपर से धकेल दिया। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन की जान गई अदिति, झूठ मत बोलो तुम। अदिति मेरी तरफ देख, मेरी आंखों में आंखें डालकर सच बता, तूने कुछ नहीं किया ना? नहीं माँ, मैंने सच में गुड्डी को नहीं मारा, मैंने गुड्डी का खून नहीं किया है माँ, आप तो मुझ पे भरोसा कीजिए। मैं आपको सच बताती हूँ कि उस दिन हुआ क्या था। अदिति, अक्सर फोन की कीमत उसके खो जाने के बाद ही पता लगती है। ओह, मेरा फोन, थैंक्स यार, दो। थैंक्स बोलने की इतनी जल्दी मत कर, मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारा ही फोन है और इसमें क्या है मैं ये भी जानती हूँ। तुम्हारे क्यूट से सेल्फीज किसी खास बॉयफ्रेंड के साथ, इसे घर वालों के साथ छुपाने की क्या जरूरत है? बता दो सबको, जब प्यार किया तो डरना क्या, राइट? और वैसे भी इस घर में एक से ज्यादा कहानियां पनप रही हैं, तो अब मैं सब एक्सपोज करना चाहती हूँ। और मुझे नहीं पता उसे अचानक से क्या हो गया, वो जोर जोर से हंसने लगी और सीढ़ियों पर जाने लगी। थोड़ी जल्दी थी उसे, मुझे लगा ऊपर कोई उसका वेट कर रहा है। मैं वहां गई थी उसके पीछे पीछे रिक्वेस्ट करने की मेरा फोन वापस दे दे। गुड्डी गुड्डी प्लीज मेरा फोन दे दो, तुम समझो। गुड्डी गुड्डी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार, मेरा फोन छोड़ दो। जब तक मैं उठी गुड्डी वहां से जा चुकी थी। इस लताए रो क्यों रही है? मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि मैं अपना फोन पहले ढूंढूं, और मैं इधर उधर अपना फोन ढूंढने के लिए वापस आई थी, बट मुझे अपना फोन नहीं मिला। यही सच है, ना मैंने कुछ छुपाया है, ना मैंने कोई झूठ बोला है भाभी। अच्छा, अगर तुम अपना फोन हॉल में ढूंढ रही थी तो जब गुड्डी ऊपर से गिरी तब तुम मुझे हॉल में क्यों नहीं दिखी? थी नहीं तुम वहां? अदिति ये स्टोरी इसलिए मैच नहीं कर रही है क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। अभी भी तुम्हारे और गुड्डी के बीच में हाथापाई हुई, तुम्हें गुस्सा आया और तुमने गुड्डी को ढकेल दिया। यही सच है ना अदिति? अदिति बोलो अदिति। नहीं नहीं भाभी, मैंने सच में गुड्डी का मर्डर नहीं किया। आप लोग प्लीज मेरा भरोसा कीजिए, मेरा यकीन मानिए, मैंने गुड्डी को नहीं मारा। जब गुड्डी नीचे गिरी तुम हॉल में क्यों नहीं थी? मैंने आपसे कहा ना भैया, मैं बहुत स्ट्रेस थी अपने फोन को लेकर, और मैं अपना फोन ही ढूंढने में लगी हुई थी, और मुझे चोट भी लगी हुई थी, और मैं अपने कमरे में गई। इस गुड्डी की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। एक मिनट, और फिर मैंने आवाज सुनी, मैं दौड़कर नीचे आई और मैंने देखा कि गुड्डी ऑलरेडी टूटे हुए कांच के ऊपर गिरी हुई थी। गुड्डी! मैंने सच में नहीं मारा है गुड्डी को, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए।
लेकिन जब इंस्पेक्टर सब लोगों से पूछ रहे थे कि गुप्पी के मौत के दिन आप उससे मिले या कुछ बात की, तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैं डरी हुई थी बुआ जी। उस वक्त किसी से भी कुछ बात कहने का मतलब था कि गुड्डी के मर्डर का शक मेरे ऊपर आ जाता। हर किसी को लगता कि मैंने गुड्डी को मारा है। मैं इसीलिए चुप हो गई थी। लेकिन मैंने गुड्डी को नहीं मारा। आई स्वेयर, मां आपकी कसम, मैंने गुड्डी को नहीं मारा। इस बार गुड्डी ने मुझे धक्का मार के गिरा दिया। मुझे चोट भी लगी है। भैया आप तो मेरा यकीन कीजिए, आपको भी मुझ पे भरोसा नहीं है ना? मैं गुंडी को नहीं मारा भैया। सारे मामले में अदिति की कोई गलती नहीं। अगर कोई गलत है तो वो मैं हूं। सब कुछ छुपाया आप लोगों से। मुझे पहले ही सामने आ जाना चाहिए था, लेकिन सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेट हो चुका था। मैं और अदिति आने वाले थे आप लोगों को बताने, और बता भी देते तो। लेकिन सॉरी सर, सॉरी रवीश, आई नो आई लेट यू डाउन। धोखा लग रहा होगा तुम्हें सब कुछ। मैं कसम लेके कह सकता हूं कि अदिति को सिर्फ खोए हुए फोन में हमारी तस्वीरों की फिक्र थी। और मैंने उसे वादा किया था कि जब भी सच सामने आएगा तो मैं उसके साथ खड़े होऊंगा और भुगत लूंगा जो भी कुछ होगा। और अदिति के पास कोई पैनिक होने की वजह नहीं थी कि वो गुड्डी की जान ले ले। I'm sorry, हम इस मामले को लेकर बाद में बात करेंगे। अदिति और मेरी परवरिश एक ही संस्कारों के साथ हुई है। मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मानता हूँ कि अपना प्यार छुपाकर इसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन यह किसी की जान नहीं ले सकती। और विविधा, तुम एक बात अच्छी तरह से समझ लो, हम में से कोई भी कभी किसी के झुंड पर पर्दा नहीं डालेगा, चाहे वो हमारे परिवार का हिस्सा ही क्यों ना हो। जिसने जुर्म किया है सजा उसे जरूर मिलेगी। बस अपने कमरे में जा, आराम कर, बाद में बात करते हैं। मुझे आपसे ये सब छुपाना नहीं चाहिए था भाभी। सॉरी। अदिति, मैं जानती हूं तुम बहुत अपसेट हो, लेकिन अब मुझे तुम्हारी बात पर यकीन आ गया है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बहन की मौत नहीं हुई है, उसका कत्ल हुआ है। और उस कातिल को मुझे कुछ भी करके ढूंढना। प्लीज मेरी एक हेल्प करोगी? मैं बस अभी आई, तुम जाना मत, यही रुकना। ये ब्लैक फर, इस पर कैसे आया ये तुम बता सकती हो? मैं नहीं जानती ये क्या फर और इस पे कैसे आया। लेकिन ये स्कार तो तुम्हारा है ना? नहीं भाभी, ये स्कार तो भूमि भाभी का।
मैंने उनसे बोरो किया था, मेरे पास काफी है। वाह कमाल हो गया, आपको तो मरना ही पड़ेगा। जब मैंने अदिति के फोन में वो फोटोज देखी और उसे ये कहते हुए सुना कि उसका फोन गुम हो चुका है, तब तो मुझे 100% यकीन था कि वो फोन ना आप ही ने लिया होगा। पर मैं तो इस बात से हैरान थी कि वो फोन तो गुट्टी ने लिया था। वैसे गुट्टी ना कमाल की चीज निकली है ना। ओम, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो फोन गुड्डी के पास कैसे आया। सुमन का सारा अभिमान, सारी अक्कड़, सब मिट्टी होने वाली है। उसका चेहरा देखती हूँ, गुरूर से चमकता है या शर्म से झुकता है। वो तो ये भी नहीं कह पाएगी कि ये फोटोग्राफ झूठी है, क्योंकि उसकी प्यारी बेटी के फोन पर बड़े प्यार से संभाल कर रखी हुई है। पर वो फोन उससे भी ज्यादा प्यार से संभाल कर मैंने रखा। अरे फोन कहाँ गया? गुड्डी ना शकल से अनाड़ी पर खेल से खिलाड़ी निकली। सरप्राइज पैकेज निकली है वो, है ना? शायद तुम ठीक कह रही हो। शायद नहीं मॉम, इस बार मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। ना कोई किसी के दिमाग में घुस सकता है और ना कोई किसी की सोच पढ़ सकता है। कुछ राज ना राज ही रह जाते हैं, जब राज ढूंढने वाले से राज दबाने वाला ज्यादा शातिर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।